हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी पर्सन है और कई बार परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं, दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये फाइनल डिवीजन का सातवां वीडियो है। अगर आप इससे पहले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो बारी बारी सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको साइंस में 48 में 48 लाना है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो नॉर्मली कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखने पा रहे हैं कि मनुष्य में वीर्य संबंधित है। तो मनुष्य में जो किडनी यानी कि वीर्य जिसको हम किडनी कहते हैं वो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से, ठीक है। उत्सर्जन से जो है वीर्य क्या है? जुड़ा हुआ है, संबंधित है। अगला प्रश्न है जो तीनवा प्रश्न है कि निम्न में यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस में रहेगा कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो वहाँ पर आपका रहेगा वीर्य, तो आपको वीर्य में टिक लगा देना है। तो उत्सर्जी अंग कौन होता है? वीर्य होता है, ठीक है। या आपको इस तरह पूछ लेगा कि मनुष्य में वीर्य संबंधित है तो दोस्तों किससे होता है? उत्सर्जन से होता है, ठीक है। यानी कि इसका जस्ट उल्टा। इस तरह अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, जो पांचवें प्रश्न देखने पा रहे हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भोजन का जो पचना होता है वो किस प्रकार की रिएक्शन होता है? वो उपचयन रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कि उपचयन रिएक्शन के कारण ही भोजन पचता है, ठीक है। और इस तरह अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं, जो छठा प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वो आपका बनता है जो अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर, जो सातवां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? वो आपका पत्ता में जो होता है वाष्प उत्सर्जन होता है। यानी कि पत्ता आपका क्या हो गया? पौधे का वाष्प उत्सर्जन भाग हो गया। इस तरह अगला प्रश्न जो है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? आपका लीवर जो होता है बड़ी ग्रंथि होता है मनुष्य के शरीर का, ठीक है। इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रात में नहीं होती है। प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया जो होता है हमेशा दिन में होता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। तो दोस्तों, इस तरह बढ़ चलते हैं दसवां प्रश्न। तो दोस्तों, जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं सभी प्रश्न रिविजन कर रहे हैं और आप हमें सभी प्रश्नों का यानी कि आप हमें जरूर बताइए कि इनमें से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे, यानी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और दसवें प्रश्न देखने पा रहे हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो आपका किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है, ठीक है। हरा रंग का जो होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं, जो ग्यारहवां प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होता है वो कौन से जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो कौन से जल में उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, वो आपका शुद्ध जल में होते हैं, यानी कि प्योर वाटर में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर पाए जाते हैं। इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा, बारहवां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वो आपका होती है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, ठीक है। इस तरह बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न, जो चौदहवां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि मानव में डायलिसिस की थैली है। तो दोस्तों, मानव में जो डायलिसिस की थैली होता है वो आपका क्या होता है? नेफ्रोन क्या होता है? डायलिसिस की थैली होता है। इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा कि त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों, त्रिक का जो नियम होता है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? वो आपका डाबराइनर यानी कि डाइब राइनर द्वारा प्रतिपादन किया गया त्रिक का नियम, ठीक है। इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं, सोलह नंबर जो हमारा प्रश्न है कि
यानी कि चमेंडलिफ के अनुसार, सॉरी अमेंडलिफ होगा या अच्छा हो गया फालतू में, तो मेंडलिफ के अनुसार आवर्त के नियमों के अनुसार गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों मेंडलिफ के अनुसार जो होता है तत्वों का गुणधर्म किनका आवर्ती फलन होते हैं, वो आपका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि मेंडलिफ के अनुसार जो तत्व का गुणधर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होता है किनका आवर्त फलन होते हैं, वो आपका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। इस तरह जो अगला प्रश्न है हमारा कि मेंडलिफ का जो है तत्व को, मेंडलिफ का जो तत्व होता है किसे बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों मेंडलिफ का जो तत्व होता है वो आपका परमाणु द्रव्यमान के यानी कि के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह बढ़ चलते हैं जो 18वां प्रश्न हमारा जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रतिस्थिकरण होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उसका दीर्घतम रूप जो होता है आपका किसका प्रतिस्थिकरण के रूप में होता है, यानी कि वो आपका मोजेलो के प्रतिस्थिकरण के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घतम रूप होता है किसके, मोजेलो के। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस तरह बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है, 19वां प्रश्न है कि मीथेन में कितने सह संयोजक बंध होते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मीथेन में जो आपका कितने सह संयोजक बंध होते हैं, 6 सह संयोजक बंध होते हैं। और इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न हमारा जो है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, वो आपका 26 लोहे की परमाणु संख्या होती है। और इस तरह जो 21वां प्रश्न हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही बार पूछे गए आपके एग्जाम्स में पीछे। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या होती है, वो आपका 18 होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है। और इस तरह जो 22वां प्रश्न हमारा कि ओजन के एक परमाणु में, यानी कि ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। और इस अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो हमारा 23वां प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण दिवस जो किस वर्ष मनाया जाता है, और ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा भी गया है। दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस तरह अगला प्रश्न जो हमारा देखने पा रहे हैं कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुए। तो दोस्तों गंगा कार्य योजना जो आपका प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ। तो ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है प्रश्न। और इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो चिपको आंदोलन जो होता है आपका किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। इस तरह अगला प्रश्न जो हमारा है, 26वां प्रश्न कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। तो दोस्तों वो आपका नर्मदा में निर्मित हुआ। ठीक है, यानी कि सरदार सरोवर बांध जो आपका किस नदी पर निर्मित हुआ, यानी कि नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 27वां प्रश्न है हमारा कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जो कहलाते हैं वो आपका वन कहलाते, यानी कि जंगल कहलाते हैं। इस तरह अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 28वां प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। वो आपका खेजरी के वृक्ष के संरक्षण से है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 29वां प्रश्न जो है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो विश्व में जो होता है कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, वो आपका 70% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 30वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कौन जो होता है सबसे ऊंचा बांध कौन है। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा बांध कौन है, वो आपका आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे टीढ़ी बांध। तो आपको टीढ़ी बांध में टिक लगा देना है। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 31वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे, तो उभयलिंगी जंतु उनमें से आपको मछली में टिक लगा देना है। ठीक है, यानी कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी कि मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न जो है हमारा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो कौन दिया था, डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन ने जो दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो हमारा 33वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो दोस्तों आंदोलन के अग्रणी नेता कौन था, वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा था। ये थोड़ा शायद सोशल साइंस का प्रश्न दिख रहा है, ठीक है, सोशल साइंस का ये प्रश्न है। इस तरह बढ़ चलते हैं जो 34वां हमारा जो प्रश्न है कि हिमालय प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो आपका कुल, यानी कि कुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कुल। और अगला प्रश्न है जो 35वां प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अजैविक संसाधन कौन है, ठीक है, यानी कि अजैविक संसाधन कौन है प्राकृतिक में पाया जाने वाला। तो आपका जल जो होता है एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट अजैविक संसाधन है प्राकृतिक में, ठीक है। और 36वां प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों ये भी सोशल साइंस का प्रश्न है लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 20 यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं नम क्षेत्र, ठीक है, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आप हमें कमेंट्स पर यानी कि कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इनमें से आप कितने प्रश्न का सटीक जवाब दिए। और 37वां प्रश्न जो देखने पा रहे हैं कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। दोस्तों रेजिन जो आपका एक कौन सा पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ है, वो आपका चीड़ नामक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है रेजिन। और 38वां प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 38वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि विद्युत तार का प्रयोग किस रंग के लिए करना चाहिए। दोस्तों विद्युत तार का जो हम प्रयोग करते हैं किस रंग का करना चाहिए, वो आपका लाल रंग का विद्युत तार का उपयोग करना चाहिए। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो 39वां प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो आपका अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो इस्पात के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो देखने पा रहे हैं वो आपका है कि चुंबक क्षेत्र का मान कितना होता है। तो दोस्तों चुंबक क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है, वो आपका होता है टेस्ला, जिसको हम टी से दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें हम 1 से लेकर 40 तक जो प्रश्न किए जो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।